कल मैप रीडिंग का हो गया था हमारा, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन ना आप ट्राई करो, कल के जो क्वेश्चन हमने देखे थे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आवाज आ रही ना मेरी? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखो फूड स्पेस से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली पूछेगा, इंडिया के अलग अलग खाने कौन कौन से, उस पर एक सवाल पूछेगा। तो पहले हम लोग 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्वेश्चन कर लो ना आप लोग, ग्रुप में है ना, डाला हुआ पीडीएफ डाला हुआ, क्वेश्चन कर लो। आप लोग क्वेश्चन के भरोसे बैठे, इजी क्वेश्चन से दो चार बताता था मैं आपको जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दो चार देख लेंगे, सारा सारा ही नहीं है, उसको बताने को टाइम लगता है, इतने क्वेश्चन करने को आधा टाइम दे देंगे। कुछ देखे थे हम लोग लास्ट टाइम, कहाँ तक देखे थे? ये देखे थे, योगे था विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या पूछ रहा हो क्वेश्चन में? विथ रिस्पेक्ट द लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? दिल्ली। तो कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है ना, डायरेक्शन ऑफ लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और कैपिटल ऑफ जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो रिस्पेक्टिवली पूछ रहा, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या रहता है? एक के बाद एक, मतलब इसके बाद ये और उसके बाद वो। तो जो पहले दिया है वो पहले आपको देखना है, और जो बाद में दिया है वो बाद में देना है ना। तो अगर मैप अगर इंडिया का आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको वो प्लस का साइन याद आ रहा होगा, प्लस है ना, अगर ये याद है जो कल हमने डिटेल में देखे। जो बच्चे नए आज ही देख रहे हैं ना, तो कल का लेक्चर देख लो, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन है ना कल के लेक्चर पे बेस्ड है और बहुत ईजी है। जाके कल का लेक्चर देखेंगे ना आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा। तो आपको मालूम है दिल्ली यहाँ है ना, दिल्ली यहाँ पर, दिल्ली ठीक है, ये है दिल्ली। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में पहले क्या पूछा उसने? लखनऊ, लखनऊ यहाँ पर मिलेगा आपको लखनऊ, और उसके बाद में पूछ रहा जयपुर, ये हो गया लखनऊ, लखनऊ, और ये यहाँ पर है जयपुर, जयपुर। तो डायरेक्शन पूछ रहा हो रिस्पेक्ट में, दिल्ली के रिस्पेक्ट में है ना। तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग जो भी पॉइंट की रिस्पेक्ट में पूछता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे प्लस का साइन बनाते, क्या करते हैं, प्लस का साइन बनाते। तो अब हमारे लखनऊ किधर आएगा, ये वाली डायरेक्शन, और जयपुर किधर आएगा, ये वाली डायरेक्शन। तो ये जब हमने प्लस का साइन यहाँ खींच लिया, तो नीचे साउथ है आपका, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, ये वेस्ट, और ये ईस्ट। तो उसके हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन हुई? साउथ ईस्ट, पहला क्या रहेगा आपका? साउथ ईस्ट, और दूसरा क्या रहेगा? साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सेकंड नंबर का आंसर है आपका। ठीक है, कल का मैप देख लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे कैपिटल ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा यहां फिर से, द डायरेक्शन ऑफ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, भुवनेश कुमार, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड द कैपिटल ऑफ बेंगलुरु, कर्नाटक का लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ये कर्नाटक का है, मतलब बेंगलुरु। रिस्पेक्टिवली यार, रिस्पेक्टिवली क्या है? तो वापस वही हमको देखना है ना, दिल्ली के क्या, वापस प्लस का साइन ही वहां बनाना है हमको, है ना। ये सेंटर में क्या था, यहाँ पर भोपाल था, आपको पता है भोपाल, तो बी लिख रहा हूं मैं, भोपाल का से, बी भोपाल का, ठीक है। और दिल्ली ऊपर था,
तो दिल्ली मान लेते यहाँ पर है, दूसरे कलर में लेते हैं दिल्ली को, रेड कलर में ये दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है दिल्ली। अब अगर आप भुवनेश्वर को भुवनेश्वर इधर देखेंगे ना, तो उड़ीसा की कैपिटल इधर आना चाहिए, यहाँ पर इधर की साइड ये यहाँ पर आना चाहिए उसमें। अगर इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप बता देता आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको उधर ही लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर दिल्ली है, ये जो हमने कल का जो थोड़ा बता देता, कल का प्लस का साइन जो नए बच्चे उनको समझ में आएगा ना। देखो लेह यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पर शिमला, चंडीगढ़ एकदम इसके नीचे, फिर दिल्ली है यहाँ पर, उसके नीचे अगर जाएंगे तो सीधा भोपाल आएगा, भोपाल जो सेंटर में है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा सा साइड में या नागपुर भी मिल जाएगा अगर देखे तो, नागपुर और हैदराबाद, और यहाँ पर ये बेंगलुरु, ठीक है। अब थिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे एक ये वाला ब्लैक, ये सीधा प्लस की साइन में आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ से गांधीनगर, फिर वापस भोपाल, रांची और वेस्ट बंगाल की कोलकाता, तो ये प्लस के साइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी देखो यहाँ पर उड़ीसा का आ रहा, दिल्ली के इधर आ रहा है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर यहाँ पे आ गया। और पूछ रहा हो बेंगलुरु, ये बेंगलुरु, तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में पूछ रहा, तो दिल्ली के रिस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ये वाली कौन सी होगी, साउथ ईस्ट है ना, और ये किधर आएगा, साउथ में आएगा। तो अगर यहाँ भी देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर दिल्ली के देखो यहाँ पर आता था भुवनेश्वर, तो ये भी किधर आता, साउथ, ये भी किधर आता, साउथ ईस्ट है ना, और ये यहाँ पर बेंगलुरु आने वाला था नीचे, बेंगलुरु, तो ये क्या आ रहा, साउथ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, साउथ ईस्ट रहेगा ना, साउथ ईस्ट और बाद में साउथ एंड साउथ, ठीक है। तो ये आंसर रहता आपका। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसको टाइम लग रहा, ये सिर्फ देखते से समझ में आता, देखते से कि कौन सी डायरेक्शन में, अगर आप सही से ऑब्जर्वेशन रखते हैं आपका खुद का तो, ठीक है। इसको बहुत हो गया इसका, तो आंसर नेक्स्ट पेज पे रहेगा। साउथ ईस्ट एंड साउथ है ना, साउथ ईस्ट एंड साउथ बराबर है, थर्ड वाला क्यों आएगा, साउथ ईस्ट पहले, तो पहले क्या पूछा उसने, पहले उड़ीसा पूछा और फिर वो पूछा, तो ये साउथ ईस्ट तो हो गया बराबर, पर ये नॉर्थ वेस्ट बोला इसलिए गलत हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये गलत, सब गलत है, यही राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर द रेलवे स्टेशन, यू वॉन्ट टू रीच होटल है ना, देर इज अ बिजी हाईवे बिटवीन द रेल स्टेशन एंड द होटल है ना, मतलब आपका है यू आर एट अ रेलवे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन पे, और आपको कहा जाना है होटल पे जाना है ना, देर इज अ बिजी हाईवे बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड द होटल, रेलवे स्टेशन के बीच में क्या है, बिजी हाईवे है, मतलब सीधा जाना नहीं, ऐसा कहना इनका, इन ऑर्डर टू रीच द होटल यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू वेस्ट, किधर जाना है, 100 मीटर ड्यू वेस्ट जाना है आपको। तो मान लो आप यहाँ है, ये पॉइंट पे है यहाँ है ना, ये क्या है आपका, रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन का आर लेते हैं हम लोग है ना, यहाँ से ड्यू वेस्ट, वेस्ट गया इधर वेस्ट, तो कितना गया, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद में देन द क्रॉस 50 मीटर लॉन्ग जेबरा क्रॉस है ना, मतलब यहाँ गया देन क्रॉस द 100 मीटर लॉन्ग जेबरा क्रॉस टूवर्ड द नॉर्थ, तो मतलब नॉर्थ की तरफ गया, कितना, 50 मीटर, यहाँ पर नॉर्थ इधर आएगा, ये हो गया 50 मीटर, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं ले रहा मैं इसको, क्योंकि 50 मीटर 100 से कम आना चाहिए। उसके बाद में देन 500 मीटर ईस्ट, मतलब ईस्ट सीधे तरफ आपके 500 मीटर, मतलब लंबा जाना पड़ेगा ऐसा, ईस्ट यहाँ पर ईस्ट पे आया, एंड देन फाइनली 70 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब 70 मीटर नॉर्थ यहाँ पर आपका, तो ये 70 मीटर नॉर्थ आ गया है ना, फाइनली टू रीच द होटल, अब होटल पे पहुंच गए हम लोग, होटल का एस ले लेंगे यहाँ पर,
विथ रिस्पेक्ट टू होटल, होटल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, तो होटल पे हम जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है हम लोग क्या करते हैं, वहां पे प्लस का साइन बना, तो होटल के रिस्पेक्ट में पूछा तो हमने होटल को क्या करे, प्लस के साइन में लिए सेंटर में। अब उसके रिस्पेक्ट में ये वाले डायरेक्शन है किसकी, रेलवे स्टेशन की। विद रिस्पेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रेलवे स्टेशन इज, नहीं विद द रिस्पेक्ट होटल द डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन इज, तो क्या आएगा आंसर, ये साउथ और ये क्या, साउथ वेस्ट। समझ रहा, तो साउथ वेस्ट आंसर है इसका। तो यहां है क्या, साउथ वेस्ट, फोर्थ ऑप्शन दूसरा, नेक्स्ट पेज पे ये साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चिनार इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय द माउंटेन इज, ये चार चिनार है ना, मैं बताता हूं आपको, देखो समझा दे तो थोड़ा, देखो ये इंडिया का, ये वाला इंडिया का हिस्सा, इधर का ये कश्मीर वाला ऊपर का है ना, इंडिया का समझ लेते। यहां से ना झास्कर रेंज जाती है और इधर से पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस, इनके बीच में ना एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है झेलम, झेलम रिवर जाती है यहां से। झेलम रिवर पे यहां पर श्रीनगर है बड़ा सा, ठीक है श्रीनगर, और दो बड़े बड़े डैम है, दो बड़े बड़े डैम है, उनका एक का नाम है, इसका नाम है वुलर, वुलर और एक का नाम है डल लेक, ठीक है डल लेक आसपास ही है। तो ये जो बुलर और डल लेक है, डल खास तौर पर डल लेक है ना, तो डल लेक ये पूरा समझ लेते, ये डल लेक है पूरा, इसके अंदर है ना एक जगह है ऐसा, मतलब बनाया हुआ एक आइलैंड टाइप बनाया हुआ है आइलैंड, और इसके जो आइलैंड है ना इस पे ना ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर चार पेड़ लगे हुए हैं, चार पेड़ लगे हुए जिसको चिनार के पेड़ बोलते हैं, चार ऐसे चार, तो ये चार चिनार के पेड़ उसके सेंटर में है लेक के अंदर, अंदर है चार चिनार, पौधों का नाम है, पेड़ का नाम है चार चिनार के पेड़ है, चिनार जो कश्मीर में आने वाले पौधों का एक प्रकार है। तो कहा आंसर रहेगा आपका, लोकेटेड इन हैदराबाद रहेगा, लखनऊ नहीं श्रीनगर, ठीक है याद रखो, रिपीट होते रहते क्वेश्चन याद रखना चाहिए, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी ये डायरेक्शन का ही है, एक लास्ट क्वेश्चन करते डायरेक्शन का ही है, फिर बाद में डायरेक्शन के आप लोगों ने कर लेना। योर हाउस इज लोकेटेड एक्स, है ना आपका घर का एक्स पे है, इसको थोड़ा ऊपर लेते ताकि हमको मूवमेंट करने में आसानी जाएगी। योर हाउस लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड वाई, घर और वाई, घर और स्कूल क्या एक्स वाई है, देर इज अ नो स्ट्रेट रोड बिटवीन द एक्स एंड वाई, सो इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल यू गो फर्स्ट, है ना मतलब एक्स से हम लोग एक्स से निकल रहे, अब यहां पर ये एक्स, एक्स क्या है घर है, घर से निकल रहे रोड, स्ट्रेट लाइन बिटवीन, यू ऑर्डर टू रीच द स्कूल फर्स्ट यू गो ए विच इज 60 मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना ये कितना 60 मीटर नॉर्थ है, 60 मीटर ये ए आ गया यहाँ पर नॉर्थ ऑफ एक्स, है ना देन गो टू बी, बी गए हम लोग कितना 25 मीटर ईस्ट, मतलब इधर 25 ईस्ट लेना पड़ेगा, कम लेता हूँ, हाँ वेस्ट इधर हो गया ना, ईस्ट कितना बोल रहा हूँ 25 मीटर ईस्ट हो गया ना, ईस्ट ऑफ ए, देन गो टू सी विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब ऊपर चलाओ इसको हम लोग इधर कर लेते, ये एक्स है मान लेते एक्स, ये एक्स है ना, यहां से पहले कितना गया 60 मीटर गया, यहां ये 60 मीटर गया और फिर गया ईस्ट में कितना 25 गया, अब नॉर्थ में कितना जा रहा 100 है ना, 100 गया ये 100 मीटर, देन गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ to B, finally you reach at the school is a 20 meter due to west, मतलब इधर कितना 25, तो finally हम कहाँ पहुंच गए Y पर जो कि स्कूल है, with the respect to the school, है ना स्कूल के रिस्पेक्ट में the direction of house, है ना तो स्कूल का है ये Y, तो इस पर हम प्लस का साइन मारते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में, साउथ, साउथ में आएगा, ठीक है तो डायरेक्शन ऑफ ड्यू साउथ सेकंड नंबर का आंसर रहेगा बराबर। सी नेवर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर, देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा अभी, अगर आपको कल ऑब्जर्वेशन देखे होंगे सही से तो समझ में आएगा व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो थ्री नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर कौन कौन से, देखो उत्तर प्रदेश है, तो देखो एक अब ऐसे समय में क्या करना, एक्सक्लूड करने की कोशिश करना,
देखो छत्तीसगढ़ लग सकता क्या, महाराष्ट्र है क्या, कंफर्म है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है क्या, मध्य प्रदेश को लगकर छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश इमीडिएटली का है, उधर से है, गुजरात है यस, राजस्थान है हो सकता, अपन बिहार है क्या नहीं, है ना, उत्तर प्रदेश हाँ है, राजस्थान हाँ है, झारखंड है क्या, मध्य राजस्थान क्यों नहीं है, राजस्थान है ना, महाराष्ट्र क्यों नहीं, हमारी बाउंड्री ना उसे, अरे मध्य प्रदेश क्यों महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र में आप खुद हो गए, आपको नेबर पता होना चाहिए, एक मिनट, थोड़ा बता देता आपको, थोड़ा क्लियरिटी देगी, गौर से देख लो इसको अभी, यहाँ पर देखो ये राजस्थान बहुत लंबी जोड़ी बाउंड्री लग रही है, गुजरात को भी लग रही, उत्तर प्रदेश, बिहार को नहीं, देखो झारखंड को भी नहीं है, छत्तीसगढ़ को देखो बहुत सारा है, छत्तीसगढ़ ऑलरेडी महाराष्ट्र को है, तो ये दो साइड में आने वाले हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, बिहार और झारखंड जो कि टच नहीं करते, तो ये दोनों नहीं आते, ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र भी है, पहला वाला है ना, देखो बिहार नहीं, यहाँ पर बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड नहीं, देखो झारखंड नहीं है इस पे, गुजरात, वेस्ट बंगाल तो आ नहीं सकता, उड़ीसा भी नहीं आ सकता, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट, अभी फिर डायरेक्शन का है हम लोग, आप कर लो अभी इसको, मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, काफी इतने बाकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, और क्वेश्चन करने ही तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके डाले हैं, पेपर जाकर सॉल्व करे हुए देख लेना, वहां समझ में, हम लोग टॉपिक पे आते हैं हमारे आज, तो हमारा पहला दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर, फूड्स एंड रिलेटेड टू उसके रिलेटेड प्लेस, कि कहां पर कौन से इंडिया में खाने खाए जाते, ठीक है, तो पहला प्लेस ये जो जनरली पूछता है यहाँ पर, देखो हांगकांग है जो कि इंडिया के बाहर है ना, चाइना के पास है, चाइना के पास में है, चाइना बोलता है मेरा हिस्सा है और हांगकांग बोलता है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो वाले देश मतलब उधर हमारे इंडिया से ईस्ट की तरफ का देश है, तो वहां पर स्नेक खाते, क्या खाते, स्नेक, और उसी को उनकी भाषा में क्या नाम बोलते, लिंग हुफेन, हाँ लास्ट टाइम पूछा था कि लिंग हुफेन कहाँ का खाना है, तो वो हांगकांग का था, क्या रहता नूडल्स टाइप डिश रहती है, हम जो नूडल बनाते ना वैसा सांप का खाना रहता है, हम लोग चिकन डाल देते वो सांप डाल देते होंगे, इतना ही फर्क, तो जिसको इंटरेस्टेड है वी कैन ट्राई, उसके लिए जाना पड़ेगा सर, हांगकांग जाना पड़ेगा, ठीक है, तो याद रखो स्नेक, लिंग हुफेन, हाँ लिंग हुफेन नाम याद रखना, जनरली भूल जाते हैं हम लोग, उसके बाद में कश्मीर, कश्मीर है वहां पर, कश्मीर में क्या रहता, फिश और मस्टर्ड ऑयल, देखो मस्टर्ड की खेती होती है वहां, एक समझने वाली बात है, पर कश्मीर में फिश कहाँ से आता, तो मैं आपको पहले ही बोला कि कश्मीर में बहुत सारे ग्लेशियर है, जो पहाड़ी इलाका है ना वहां पर ग्लेशियर बहुत सारे है, ग्लेशियर है, और अभी मैंने दो तीन तालाब के बड़े बड़े डैम के नाम बताया आपको, बट ग्लेशियर भी है, तो ये सोर्स है वहां पर, परमानेंट पानी अवेलेबल है वहां पर, तो वहां ये फिश की खेती, जिसको ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं हमारी तरफ, तो वो फिश की खेती पॉसिबल है वहां पर, तो इसलिए वहां पे फिश ज्यादा खाते लोग, और मस्टर्ड का प्रोडक्शन खुद होता ही वहां पे, ठीक है, उसके गोवा, गोवा तो साहिली किनारा है, कोस्टल लाइन है, तो फिश तो होना ही वहां पे, और कोकोनट भी पाए जाते हैं, मैं थोड़ा समझा देता आपको मैप में, देखो ये वाला इंडिया का मैप है, तो ये कोस्टल लाइन है यहां पर, तो ऑब्वियसली कोस्टल लाइन है तो यहां पे फिश तो होना ही है, ये जो कोस्टल लाइन है यहां तो फिश तो खानी है लोगों ने, ये तो पक्का है, तो यहां पर आपको गोवा का बताया, गोवा, गोवा तो यहाँ फिश खानी है, देखो ये वाला इलाका जो है ना कोस्टल लाइन है ना ये, तो ये कोकोनट का प्रोडक्शन भी बहुत होता है इससे, कोकोनट का ये वाली साइड भी होता है, और ये वाली आपने केरला की बहुत बार इमेजेस देखेंगे वहां पे कोकोनट के आपको ऑयल वो दिखेंगे, प्लांटेशन दिखेंगे, तो गोवा में देखिए, ये गोवा देखिए, तो यहाँ पर कौन सा फूड खाते लोग, फिश खाते और कोकोनट ऑयल खाते, कोकोनट ऑयल, और कश्मीर में यहाँ पर ये वाला कश्मीर का इलाका, यहाँ पर फिश है और हाँ मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल हो गया। केरला आते, देखो केरला में फिश का है नहीं, हम जो एनसीईआरटी में है ना वही पढ़ना है हमें, तो ये केरला है नीचे, तो केरला का देख लेंगे हम लोग। केरला में ना लोग टेपियो का खाते, क्या टेपियो का, टेपियो का, टेपियो का खाते यहाँ पे, और टेपियो का विद करी, वहां पे करी लिख के आता विद करी, हाँ करी के साथ खाते टेपियो का, याद रखना। टेपियो का क्या, हमारे तरफ उसकी खीर बनाते, देखो रमजान में जनरली सुबह सुबह खीर बनाते हैं, सफेद सफेद आते गोल गोल साबुदाना, हाँ तो वो उसको टेपियोका बोलते हैं। टेपियोका कासावा नाम का प्लांट रहता है, एक कासावा नाम का प्लांट है, दूसरे पेन से बताता, एक कासावा नाम का प्लांट आता, तो प्लांट की रूट्स, उसकी रूट से स्टार्च बाहर निकालते, स्टार्च निकालते कार्बोहाइड्रेट कासावा प्लांट से, और वो कासावा प्लांट का टेपियोका बनाते, ठीक है। और वहां के लोग क्या करी के साथ खाते हैं। अब ये मत समझना कि यहाँ पे फिश जनरली क्या देखा है, गोवा में भी फिश है और कोकोनट है, केरला में भी है, बट आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से आंसर देना, और एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो ये याद रखो। उसके साथ साथ ये जो साउथ इंडिया है हमारा, ये वाला इलाका साउथ इंडिया, इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे मोस्टली साउथ इंडिया के, एक तो तमिलनाडु आएगा मेजरली, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका, केरला, केरला। तो यहाँ के जो साउथ इंडियन, हमारे साउथ इंडियन जो फूड है कौन कौन से हैं, साउथ इंडियन फूड इडली है ना, सांबर, डोसा, डोसा है ना, और क्या उत्तप्पा, उत्तप्पा, हाँ। तो ये क्या है, इधर साउथ इंडिया के हैं मेजरली ये वाले स्टेट, हाँ मोस्टली तमिलनाडु, तो भूलिए मत। तो यहाँ का खाना है, ये स्पेशली लोग खाते हैं यहाँ का खाना। उसके बाद में और अगर जाएंगे तो गुजरात की साइड आएंगे, गुजरात, तो इसको यहाँ रखते, तो गुजरात में ये वाला, इसमें यहाँ पे सबसे फेमस क्या है, ढोकला, ढोकला, फाफड़ा, ठीक है, ये याद रखो। जलेबी तो बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ याद रखो यहाँ के लोग ना क्या करते, जो सब्जी वेजिटेबल बनाते ना, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में क्या शुगर मिलाते, थोड़ा शक्कर डालते, थोड़ा मीठा मीठा करते, ठीक है, याद रखो। उसके बाद में अगर आप यहाँ पेंगे, यहाँ पर ये वाला दिल्ली का इलाका, पंजाब हरियाणा और दिल्ली, कौन सा इलाका, दिल्ली पंजाब हरियाणा है ना, ये वाला इलाका सेंटर, दिल्ली पंजाब हरियाणा, याद रखो दिल्ली पंजाब हरियाणा। यहाँ पर जो खाने खाए जाते हैं, यहाँ पर छोले भटूरे, छोले भटूरे, भटूरे और राजमा चावल, छोले भटूरे और क्या, राजमा चावल, राजमा चावल और राइस है ना, राजमा राइस या राजमा चावल यहाँ पर खाते मोस्टली दिल्ली में। मैं गया था दिल्ली में तो देखा मैंने, स्पेशली छोले भटूरे खा के आने को। एक बार रिपीट कर लेते, कश्मीर में क्या है, मस्टर्ड ऑयल और फिश, कश्मीर में क्यों खाते, रीजन बताया मैंने। उसके बाद में आप दिल्ली या हरियाणा, पंजाब हरियाणा के पास आएंगे तो वहां पे छोले भटूरे और राजमा चावल फेमस है बहुत। फिर गुजरात आएंगे तो गुजरात में क्या है, ढोकला, फाफड़ा है, और याद रखो वहां के वेजिटेबल्स में वो शुगर मिलाते, ठीक है। फिर गोवा आते तो गोवा में कोकोनट और फिश। फिर केरला आते तो केरला में टेपियोका विथ करी। और साउथ इंडिया के जो स्टेट है वहां पे वही साउथ इंडियन डिशेज, इडली, सांभर, डोसा वगैरह ये सी, ठीक है। तो ये बहुत फेमस डिश है यहाँ के, आपको याद रखने हैं। तो ये फूड के बारे में, और हांगकांग जो अपने भारत के बाहर है उसके बारे में जो बताया था हमने देख चुके। ओके आगे बढ़ते हमारे टॉपिक्स पे आते, तो ये हो गया हमारा सारा, नेक्स्ट पे आते। हाँ एक चीज याद रखो, टेपियोका को, ये जो टेपियोका है केरला का है ना, उसको कप्पा बोलते हैं मलयालम लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, कप्पा, और मराचिन भी बोलते हैं, ये दो नाम है उसका, मराचिन किसका, टेपियोका के नाम है ये वाले, एक है कप्पा जो कि वहां की मलयालम भाषा में बोला जाता कप्पा, और इसको मराचिन भी बोलते हैं, याद रखना। गुजरात में उंदिया दाल चपाती, उसमें शुगर मिलाते, उंदिया, उंदिया क्या रहता है, मिक्स वेजिटेबल की सब्जी रहती, उंदिया बोलते, उसमें क्या करते हैं, दाल में शुगर मिक्स करते वो लोग, ठीक है। उसके बाद में पंजाब हरियाणा, राजमा चावल, छोले भटूरे बताया मैंने, दिल्ली भी उसमें इंक्लूड कर देना, वहां पर भी है। उसके बाद में कुछ फ्लावर्स देखो, कचनार के फ्लावर उत्तर प्रदेश में इसका वेजिटेबल बनाया जाता, ये कचनार के फ्लावर है, ये यूपी में इसकी सब्जी बनाई जाती,
तो इसको कचनार फ्लावर बोलते हैं, जो यूपी में इसकी क्या बनाती है, सब्जी बनाई जाती है, वेजिटेबल्स मतलब वेज खाना बनाते हैं, इसका फूड बनाते हैं ना, याद रखो ये है कचनार। उसके बाद में बनाना फ्लावर है ना, तो ये केरला में इसकी सब्जी बनाते हैं, ये देखो इस तरह का, तो इसकी सब्जी बनाते हैं कहाँ पे, केरला में बनाना फ्लावर की सब्जी बनाते केरला में। उसके साथ साथ महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है नीचे, यहाँ पर दिया नहीं, उसको शोगा की वली बोलते, शोगा मोरिंगा इंग्लिश में नाम क्या उसका, मोरिंगा, शोगा फ्लावर्स है ना नीचे होगा शायद, तो महाराष्ट्र में उसका बनाते हैं, उसका इमेज नहीं दिया, बारीक बारीक पत्ते आते हैं उसके और सफेद चमेली की पत्तों की तरह फूल आता, ठीक है, तो उसको शाहजान बोलते हैं या मोरिंगा बोलते हैं, और क्या शैगा की फली, शैगा की फली भी बोलते हैं ना उसको, शैगा भी बोलते हैं ना, शैगे की फली, ड्रम स्टिक या फिर दूसरा इसका नाम ड्रम स्टिक। तो मैं फ्लावर की बात कर रहा था, शाहजान का फ्लावर जो महाराष्ट्र में, उसके साथ साथ देखो एक चीज है, यहाँ पर महाराष्ट्र की बहुत फेमस डिश है जिसका नाम है क्या बोलते हैं उसको, वांगे का भरता, भरली वांगे या वांगे भरता, दो तीन नाम है उसका, भरली वांगी या फिर वांगे वांगे सा भरता, क्योंकि मराठी शब्द है तो वांगे सा भरता भी बोलते हैं उसको, वांगे सा भरता, वांगे ये एन है, वांगे वांगे सा भरता, भरता ज्यादातर खानदेश में बहुत शौक किन लोग इसके, भरली वांगी या फिर वांगे का भरता है ना। तो ये बनाया किसका जाता, ये बनाया था बैगन का, जिसको ब्रिंजल बोलते हैं, ब्रिंजल, और इसका दूसरा ब्रिंजल, खासतौर पर इसको ब्रिंजल इंडिया में बोलते हैं, और इसका नाम क्या है दूसरा, एक प्लांट बेबी, एक प्लांट भी बोलते हैं ये, बेबी बेबी एक प्लांट, एक प्लांट बोलते हैं इसको, एक प्लांट, वो ये ब्रिंजल ही है, नाम बदले हुआ है, हम लोग इंडिया साउथ श्रीलंका ये जो जो साउथ एशियन कंट्री ना वो उसको ब्रिंजल बोलते हैं, बाकी पूरी दुनिया में क्या बोल के जाना जाता, बेबी एक प्लांट बोल के जाना जाता है। तो भरली वांगी या वांगी से भरता बहुत फेमस है, मतलब मेरा जो गांव है ना वहां से खांदे शुरू होता है उधर बाउंड्री, तो वहां से नीचे के लोग खाते, मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है, इधर हम औरंगाबाद साइड तो नहीं इतना, औरंगाबाद में नान गलिया, नान गलिया औरंगाबाद में, ठीक है, ये इसको बोलते ये शेगा की बल्ली है ना, मोरिंगा बोलते इसको, मोरिंगा, तो इसको शाहजान बोलते हैं, जिसकी शाहजान की जो ना, शाहजान, शाहजान है ना, शाहजहान नहीं है, शाहजान है, या इसको मोरिंगा बोलते हैं, मोरिंगा फ्लावर, मोरिंगा फ्लावर, फ्लावर बहुत हेल्दी है, इंडिया का सुपर फूड है, इंडिया का सबसे सुपर फूड है, एक ही प्रॉब्लम है गर्म है, बहुत अच्छा है, बहुत है, मैंने स्पेशली बहुत रिसर्च करा, बहुत अच्छी चीज है, खाया करो, ठीक है। फूड कंपोनेंट के बारे में बता देता मैं आपको, मेजर फूड कंपोनेंट और वो कहाँ से मिलते हैं समझते एक एक करके, है ना, पहले प्रोटीन समझाता हूँ मैं, थोड़ा इधर साइड में समझ लेंगे हम लोग एक एक के बारे में, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाता। तो देखो जो हमारे फूड कंपोनेंट है, इस पे आपको एक सवाल पूछूंगा, फूड कंपोनेंट कंपोनेंट है ना कौन कौन से है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको एनर्जी मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आता प्रोटीन, प्रोटीन और क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते, देखो हमारे पास मेजर एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट है और एक माइक्रो है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब कम तादाद में लगने वाले, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, ये मैक्रो है, ये मैक्रो मैक्रो मतलब जो ज्यादा तादाद में लगते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये लार्ज अमाउंट में लगते हैं, लार्ज अमाउंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लगते, और ये क्या लो अमाउंट लगता है इसका, बहुत लेस अमाउंट रहता है, लेस अमाउंट बहुत कम लगता, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो मैक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला आता आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CH कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है इसको, उसके बाद में आता आपका प्रोटीन,
फिलिंग को नजरअंदाज करना। उसके बाद में आता फैट, तो ये तीनों मैक्रो है जो मेजर, इनकी क्वांटिटी ज्यादा लगती है हमारी बॉडी को, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। पहले समझते कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट ना क्या रहता है, ये हमारा फ्यूल ऑफ द बॉडी बोलते हैं इसको, क्या फ्यूल ऑफ द बॉडी, हमको एनर्जी मिलती है, फ्यूल ऑफ द बॉडी हमारे मतलब मेजर, ठीक है, हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी, एनर्जी है ना, जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वो रिस्पायरेशन होता हमारी सेल में, हम लोग सेल में क्या करते हैं, हम लोग इससे रिस्पायरेशन के जरिए, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन से क्या तैयार करते हैं, एटीपी, क्या तैयार करते हैं, एटीपी, एडिनो सो ट्राइफॉस्फेट तैयार करते हैं, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता। बहुत लंबी है, इतना डिटेल हमें पूछता नहीं, तो मैं इतना डिटेल में जाने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या रहता है, हमारी बॉडी फ्यूल बोलते हैं इसको, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल है हमारी गाड़ी का, इसके बगैर हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। आप जो लेक्चर सुन रहे हैं और जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से ले रहा हूँ। तो कौन कौन से इसके सोर्स है, व्हाट इज द सोर्स, सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट के, सोर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है आपका, राइस, राइस में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। उसके बाद में आपका वीट, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, वीट, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा। उसके बाद में आपका पोटैटो, पोटैटो फुल्ली लोडेड, पोटैटो फुल्ली लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट, ना दबा के भरे पड़े कार्बोहाइड्रेट उसमें। शुगर कैन, शुगर कैन है, और बहुत सारे जैसे एग्स है, एग्स का जो ऊपर का नीचे अंदर का जो येलोविश रहता है ना, वो एग्स जो येलो क्या बोलते हैं इसको, वो। उसके बाद में मिल्क भी है, मिल्क लगभग कंप्लीट फूड है, मीट, मीट ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, पर मेजरली वो प्रोटीन का सोर्स है, और ड्राई फ्रूट्स में फैट और प्रोटीन ज्यादा रहती है, तो उसको हम ये कैटेगरी में नहीं डाल सकते। स्वीट पोटैटो भी आएगा बहुत सारे, पर ये मेजर सोर्स, ये पूछेंगे आपको रफली मेजर, ये पूछेंगे आपको, याद रख लेना। उसके बाद में प्रोटीन पे आते हैं हम लोग, क्या है हमारा प्रोटीन, तो प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डर, क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर, बिल्डर और बॉडी रिपेयरर, क्या बॉडी रिपेयरर, रिपेयरर, जो हमारी पूरी बॉडी बनी है ना, वो प्रोटीन की बनी है, हमारी या प्लांट्स की, हम भी पूरे प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, और एमिनो एसिड बनते हैं अमोनिया से, अमोनिया बनता नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड बनता नाइट्रोजन से। तो हमारी पूरी बॉडी में या प्लांट्स जो खड़े रहते पौधे, जैसे मैं हूँ, मेरा जो है ना मसल, मेरे बोन, ब्लड, हेयर, सब चीजें प्रोटीन की बनी है। जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, सारे प्लांट्स सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो बॉडी बिल्डर और बॉडी रिपेयरर इसलिए बोलते हैं इसको, अगर हमें किसी वजह से कुछ कट हो गया, हमारा हड्डी टूट गई, जख्म पे, हमारे जख्म पे कुछ लग गया क्रैक, फिर से रिपेयर हो जाता, तो मसल फिर से रिपेयर हो जाती है हमारी, तो इसलिए इसको प्रोटीन को, वो प्रोटीन की वजह से, तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी बोलते हैं और बॉडी रिपेयरर भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं इसको, बहुत जरूरी है हमारे लिए, शरीर के लिए, है ना। तो प्रोटीन का सोर्स क्या है, फिर सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, तो पहला सोर्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट है पल्सेस, दालें, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, खाते जाओ दालें। उसके बाद में नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, प्रोटीन के अच्छे सोर्स है सारे ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स में क्या कहेंगे, अब हम अंदाजा लगा सकते, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है ड्राई फ्रूट से, और फैट मिलता, ये दो चीजें रहती। उसके बाद में अगर अंडा देखेंगे आप, तो अंडे का जो ऊपर का व्हाइट व्हाइट है ना, वो वाला व्हाइट एग्स हो गया। उसके बाद में आपको मिल्क, मिल्क, फिश, फिश में भी प्रोटीन मिल जाएगा आपको, पल्सेस, नट्स, मिल्क, मीट, मीट इसमें भी आपको मिल जाएगा प्रोटीन। तो ये मेजर सोर्स है प्रोटीन के, तो ये याद रखो प्रोटीन के मेजर सोर्स। अब बहुत सारी चीजें जिसमें मिलते रहता प्रोटीन, बट हम लोग मेजर सोर्स डिस्कस कर रहे तो उतना लिमिट में रखेंगे और आगे निकलेंगे। उसके बाद में आती है फैट्स, फैट को स्टोर फूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर फूड, स्टोर फूड है ना, हम लोग जितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड है ना, जितना फैट कार्बोहाइड्रेट हमको रिक्वायर्ड है,
उतना हम खाते हैं, और हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लाइकोजन बोल के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फैट में कन्वर्ट हो जाता। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही एक अलग एक्सटेंशन है, अलग एक्सटेंशन क्या है, फैट है। बट ये दोनों अलग अलग है, कार्बोहाइड्रेट और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग आ जाती है। ठीक है, प्लांट्स में भी बहुत जगह है, तो ये क्या स्टोर फूड है, हमको इमरजेंसी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। जब इमरजेंसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आप बहुत दौड़ रहे, जिम कर रहे, सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे ऊपर, तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए और आप तब खाना आपको चाहिए, तो आप एनर्जी यहाँ से डेरिव करते हैं। अब हाँ, रोजा आप जैसे 10 घंटे आप सुबह से खाना खाए नहीं, आपने 10-15 घंटे भूखे जब, तो फिर आपको जो एनर्जी मिलती रहती है वो फैट से डेरिव होते रहती है। वो लंबी प्रोसेस है, हम लोग पेपर सेकंड में पढ़ते हैं इसको, यहाँ पर हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इमरजेंसी एनर्जी प्रोवाइड करने का सोर्स है, इतना याद रखो। इसके सोर्स क्या है, क्या सोर्स है इसके प्रोटीन के, ये अपने इसके सोर्स देखो, जितने भी आप देखो, आपको मालूम है सोयाबीन हो गया, जितने भी ऑयल है ना, सोयाबीन है ना, उसके बाद में सनफ्लावर, मस्टर्ड, और नट्स, आलमंड हो गया ना, आलमंड ऑयल निकलता है ना आलमंड का, आलमंड हो गया, ग्राउंड नट्स आपके नट्स, तो नट्स में पूरे आएंगे नट्स, और तो आपके ये जिसमें ऑयली है, जितनी भी ऑयली चीजें है उसमें, वो सारी चीजें। अब हमको मिल्क से भी मिलता है, दूसरा क्या सोर्स है, मिल्क भी है ना, मीट भी है, फिश भी है, ठीक है, ये सब चीजें है। तो ये मेजर हो गया आपका, माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं अभी, छोटे छोटे लगने वाले। समझ आ गए? थोड़ा एक ही साथ देख लो इसको। देखो आपको एक चीज समझाता मैं, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट है ना, तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालना, आयोडीन का सॉल्यूशन डालना। अगर इसका आयोडीन का सेल आप कोई भी खाने पे, अपने राइस पे डाले या कोई भी, आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या इसमें, तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालना। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद में, एक मिनट भूल रहा हूँ, कॉस्टिक सोडा, इनकी टेस्ट है ना, मैं बाद में बताऊँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मैंने अभी आज ही 2-3 दिन पहले पेपर सेकंड वालों को पढ़ाया, इनकी टेस्ट पे सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ कल के लेक्चर में, इधर का उधर हो रहा है जो भूल रहा हूँ मैं। तो इनकी टेस्ट पे पिछले मतलब पेपर सेकंड की साइंस में पूछता है वो, इधर नहीं पूछता है, पर पिछले साल ईवीएस में भी पूछा है। तो ये याद रखो, इतना याद रखो। हम लोग अब थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बताता हूँ, बट इनको मैं यहाँ नहीं बताता क्योंकि ये अभी यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाजू ले लेते हैं, इसके लिए जगह बनाते, माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए जगह बनाते। सिलेक्ट चल, ठहर, माइक्रोन्यूट्रिएंट को देखते हैं, यहाँ इतने में जमेगा क्या, नहीं, इसको साइड में पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे देख लेते, नीचे देख लेते ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आते हैं। कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट जो बहुत कम तादाद में लगते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट। ठीक है, काफी सवाल पूछ रहा है इधर से भी आजकल, पहले नहीं पूछता था बट ऑनलाइन एग्जाम में पूछा है काफी बार, तो थोड़ा समझते हैं कौन कौन सा। इसमें दो ही है, एक तो मिनरल्स है, एक तो विटामिन्स है, विटामिन्स और मिनरल्स, मिनरल्स। तो पहले विटामिन्स देखते हैं, अलग अलग विटामिन्स है, इंपॉर्टेंट विटामिन्स बताऊंगा मैं पूरी डिटेल में, कुछ जरूरत नहीं है। पहले आता विटामिन ए है ना, विट ए, विटामिन ए यहाँ का है ना, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं इसको, विटामिन ए इसको रेटिनॉल बोलते हैं। ये इसकी डिफिशियंसी से हमें क्या होता प्रॉब्लम, हमारे हमें मतलब ब्लाइंडनेस, मतलब आई से रिलेटेड डिस, मतलब ब्लाइंडनेस आती है, अलग अलग तरह की ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस है ना। अगर आप विटामिन ए की कमी है आपके अंदर में तो आपको अलग अलग तरह के ब्लाइंडनेस आएंगे। अब वो उतना डिटेल नहीं पूछता, सिर्फ याद रखो ब्लाइंडनेस आता, इतना सेकंड पेपर में पूछता है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं। इसकी वजह क्या है मैं आपको समझा देता, अगर आपने आईज का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे अपने आईज का, तो यहाँ पर हमारा प्यूपिल्स रहता, अभी इतना डिटेल नहीं बस इतना समझ लो, ये वाला इलाका हमारी आँख है और यहाँ से ना ये रेटिनॉल आता पीछे से, ये यहाँ से ये जो लाइन ब्लू लाइन खींची ना मैंने, उसको मैं क्या करता हूँ येलो करता हूँ, ये रेटिनॉल रहता, यहाँ से लाइट लाइट इधर से इधर इस पे आता ऐसा, और ये क्या करता हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ रहता, नर्व से जुड़ा हुआ रहता। तो ये जो रेटिनॉल रहता ना, ये विटामिन ए का बना होता है, विटामिन ए, तो ये वाला हिस्सा। तो यहाँ से क्या होता फिर, अगर ये हमारा रेटिनॉल खराब हो गया तो हम कलर, ये दो चीजें रिकॉग्नाइज करता, एक एक कलर मतलब आपका कलर और एक लाइट। अगर आपका रेटिनॉल विटामिन ए कम पड़ गया अपने में, तो ये रेटिनॉल खराब होगा आपका, और आप कलर और लाइट दोनों समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमको दिखने में प्रॉब्लम आती। तो वो और डिटेल में पढ़े तो समझ में आता, अब हम लोग इतना डिटेल में नहीं जा रहे। तो अलग अलग तरह के ब्लाइंडनेस होते आंखों से रिलेटेड डिस होते। तो क्या सोर्स है इसका, क्या खाना चाहिए हमें, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है विटामिन ए का, तो आपको मालूम है विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो है ना, एक ही टोमेटो, टोमेटो है, कैरेट्स, कैरेट्स, उसके बाद में बीटरूट, ठीक है ये है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल है, इतना याद रखो, टोमेटो कैरेट्स बीटरूट्स ये याद रखो रफली, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो है ही सब जगह से, थोड़ा थोड़ा मिलेंगे आपको। उसके बाद में आता बी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में बी, बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, बी वन, बी, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी एट, बी सिक्स एंड बी नाइन एंड बी ट्वेल्व, ऐसे सात अलग अलग तरह के बी कॉम्प्लेक्स है, उनको सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बोलते। तो इसमें अलग अलग बीमारी होती है आपको, जैसे कुछ स्किन से रिलेटेड होती, स्किन होती और भी होती, स्किन से रिलेटेड भी होती और भी होती। और इसके सोर्स अगर देखें हम लोग, ये बहुत डिटेल है, इस पर पूछता नहीं, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो क्या सोर्स देंगे इसका, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बस इतना याद रखो, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे इसको हम देखेंगे तो पूरा लेक्चर इधर ही जाएगा उसमें, और पूछता नहीं है। तो बी कॉम्प्लेक्स में ये सब चीजें याद रखो। उसके बाद में आता विटामिन सी, क्या आपका विटामिन सी, जिसको कैल्सिफेरॉल बोलते, सॉरी फॉलिक एसिड बोलते, इसको फॉलिक एसिड, अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं आपका, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड नहीं बोलते, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, तो याद रखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ विटामिन सी याद रखो, उसका नाम कोई पूछेगा नहीं। सिट्रिक एसिड नहीं आता, सॉरी उसको सिट्रिक एसिड नहीं बोलते हैं, सिट्रिक एसिड उसके अंदर आता, विटामिन सी जिस फ्रूट्स में पाया जाता ना, तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड आता, बट विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक एसिड है, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या है, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, विटामिन सी, इससे इसकी कमी से एक नाम की बीमारी होती है, इसको बोलते बेरी बेरी, सॉरी स्कर्वी, स्कर्वी होता है। इसके आता आपके जो बोन, आपके जो टीथ है, सॉरी जो आपके मसूड़े है और आपके होट है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है, आपकी जो लिप है, लिप, लिप्स और मसूड़े ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं दांतों के नीचे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कमजोर टीचर है। तो आपके जो मसूड़े लिख देता मैं, तो इसमें ब्लीडिंग होती,
ब्लडिंग होती, खून निकलता, दरारें पड़ती उसमें, इसको स्कर्वी बोलते हैं। और ये कहाँ से मिलकर, इसका सोर्स क्या है, डेमेंसी का सोर्स क्या है, सिंपल सिट्रिक नींबू वर्गीय, आमला, लेमन, ऑरेंज, ऑरेंज आमला हो गया ना, उसके बाद में जो बेरीज है, जितनी भी बेरीज है उनमें सब में पाता, बेरी, ब्लैक बेरी, जो भी बेरीज, व्हाइट बेरीज, सब बेरीज, तो बेरीज वगैरह जो आते हैं उसमें, ठीक है। सवाल पूछता आपको, याद रखना, सवाल पूछ लेता आपको, याद रखना है सब चीजें आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या रहा है आपका, के और ई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, के और ई इतने जरूरी नहीं है, मुझे एक भी सवाल नहीं था उसमें तो हम जाते नहीं उधर, बस इतने इंपॉर्टेंट पूछ लेता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये विटामिन, एक बार रिविजन कर लो, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल बोलते हैं, आंखों से रिलेटेड बीमारियां होती, ब्लाइंडनेस, डिफरेंट टाइप के सोर्स क्या है, टोमेटो, कैरेट्स, बीटरूट, ये मेजर सोर्स है, उसके अलावा आप कोई भी ग्रीन चीजें खाओ कोई दिक्कत नहीं। बी कॉम्प्लेक्स स्किन से रिलेटेड डिसीज होती विटामिन बी में, सोर्स क्या है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। विटामिन सी क्या है, स्कॉर्बिक एसिड उसका नाम है, स्कर्वी नाम की बीमारी होती, जबकि आपके जो मसूड़े हैं और जो लिप्स है उसमें से ब्लडिंग होती, ठीक है, उसको स्कर्वी बोलते हैं। सोर्स क्या है, लेमन, आमला, ऑरेंज, बेरीज वगैरह, ठीक है, ये सोर्स है उसके। उसके बाद में विटामिन्स खत्म हुआ हमारा, उसके बाद में आते मिनरल्स के ऊपर, है क्या मिनरल्स, ओके, ये मिनरल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जिसपे सवाल पूछता। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन, जिसको आयरन बोलते हैं, इसको इसका दूसरा नाम है फेरस, पेरियोडिक टेबल में इसको फेरस बोलते हैं, ठीक है, फेरस लोहा, तो इससे बनता हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कस का मेजर कंपोनेंट है ना। आयरन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन हमारे जो लाल खून है, रेड ब्लड है, उसका मेजर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन, है ना। और इसका काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, क्या ऑक्सीजन कैरी करना हमारी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन क्या करना, कैरी करना का पूरी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सप्लाई, ताकि हमारी सेल में रिस्पायरेशन मुकम्मल हो, हर सेल में, हमारी बॉडी के जर्रा जर्रात में, हर कण में सेल होती है, वो सेल में क्या हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना रिस्पायरेशन नहीं होगा ना। ऑक्सीजन जब सेल में जाएगा, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये चप्पल टाइप माइटोकॉन्ड्रिया रहता, तो ये ऑक्सीजन यहाँ का और यहाँ पर एक रिस्पायरेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, और यहाँ पे तैयार होता ATP जो हमें एनर्जी देता, ATP, ऑक्सीजन के बगैर ATP नहीं होगा। तो आयरन क्या करता, हीमोग्लोबिन बनाता, हीमोग्लोबिन हमारे लाल खून का मेजर कंपोनेंट है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता पूरी बॉडी में, हम सांस लेते तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ठीक है, ताकि रिस्पायरेशन हो सके सेल में, है ना, ये सेल है, सेल में क्या हो सके, रिस्पायरेशन हो सके, और रिस्पायरेशन होगा तो ATP मिलेगा हमको, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, ATP, ये एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं। मान लो अगर आयरन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी होना वो कम हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन कम कैरी हुआ तो फिर ATP कम तैयार होगा, और ATP कम नहीं तैयार हुआ तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और चक्कर आएंगे। नहीं, रेड ब्लड सेल जो बनते हैं ना, वो हीमोग्लोबिन के बनते हैं, उसका कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल, मान लो ये रेड ब्लड सेल है, तो ये काय के बने, ये HB हीमोग्लोबिन के बने, उसके अंदर उसका पार्ट है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल का पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो आयरन से बना रहता है और वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहा है हमारी बॉडी। तो फिर जो चक्कर आना है ना, हमें चक्कर आते हुए आते तो उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये जो आयरन है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी, फिर ये नहीं रहेगा तो एनीमिया नाम की बीमारी होती। अब क्या सोर्स है जिससे हमको लोहा मिले, तो आपको लोहा जाना है इसके हार्डवेयर की दुकान पर, लोहा ला के खाना नहीं है, उसके अलग अलग सोर्स है ना, इसके सोर्स है। और एक सवाल कब भी पूछूंगा इस पे, क्या है पहला, स्पाइनेच, जैगरी और आमला, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, आमला,
ये पूछेंगे आपको। इसके अलावा भी बहुत अच्छे सोर्स है, जैसे पालक, मोरिंगा, ये बहुत अच्छे सोर्स है। जो हमने शेगा देखी ना, शेगा शाहजहां जिसको बोले, महाराष्ट्र के लोग खाते हैं, तो वो भी बहुत इनरिच सोर्स है का आयोन का। और क्या बोला मैं, नेक्स्ट पालक हो गया, और क्या है आयोन का सोर्स, आंवला हो गया, ये अपने मोरिंगा हो गया, और जो भी है वेजिटेबल फ्रूट्स दबा के खाओ, वेजिटेबल फ्रूट्स खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं आप, ठीक है। तो ये हो गया आयरन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, आयरन हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों एक साथ बताता, कैल्शियम और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, तो ये दोनों का एक साथ बताता है। ये दोनों जो है ना, इनकी दोनों की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती, तो हमारे क्या होता है, अगर ये कमजोर है तो हमारे अंदर हमारे बोन है ना, बोन और टीथ, टीथ इनकी हेल्थ के लिए जरूरी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे बोन और टीथ की हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड बीमारियां होंगी, उनके अलग अलग नाम है, जैसे रिकल्स हो गया है ना बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया हो गया बड़े लोगों में, पूछता नहीं है, बस इतना याद रखो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से क्या होता, हमारे बोन और हमारे टीथ कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको खाना है, आप कैल्शियम से, इनकी सोर्स क्या रहेगा आपका, तो पूरे नट्स में मिलेंगे आपको ये नट्स है ना, उसके बाद में सनफ्लावर, ये सब में से मिलेंगे आपको क्या, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। उसके बाद में कौन से मिनरल्स पे से सवाल पूछेगा नेक्स्ट, बोले नो हो गए, सोडियम पे नहीं पूछता, नोट्स में देख लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा देख लो, रिवीजन कर लो कि क्या क्या पढ़े हमने, ठीक है, हल्का सा देख लो, फिर हमारा आज का स्टॉप करते हैं हम लोग। देखो मैक्रो, मैंने आपको मैक्रो फूड इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग थोड़ा, और तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्लासिफिकेशन देखी हमने, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में डिटेल में देखे, ठीक है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट पे आए, माइक्रो न्यूट्रिएंट पे देखे, विटामिन्स देखे, और दो तरह के मिनरल्स देखे हमने। तो यहां पर आते थोड़ा एक एक चेक कर लेते, तो प्रोटीन के सोर्स इसको ग्रोथ होती से और रिपेयर होती बॉडी, वही बॉडी बिल्डर बोलते हैं इसको, ये सोर्सेस के जो मैं बोल चुका हूँ आपको। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ये सामने आपके देखो, ये कार्बोहाइड्रेट भाग, वो भी भाग गया, किधर गया, फैट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट विटामिन्स, देखो विटामिन्स की एक बात याद रखो, आपको एक सवाल पूछा था लास्ट टाइम, विटामिन दो तरह के रहते हैं ना, एक फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल मतलब जो फैट में क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, फैट में स्टोर हो जाते हैं, वो क्या है, और जो वाटर सॉल्युबल है ना, जो वाटर में घुल मिल जाते, वाटर सोलेबल, तो जो वाटर सोलेबल है वो कौन से, बी और सी। तो ये बी और सी आपको डेली लेना है, बाकी जो है तो सब है, तो डेली नहीं ले तो चलेगा। ए हो गया, उसके बाद में बी सी हो गया, डी विटामिन डी, उसके बाद में विटामिन ई और विटामिन के। तो ये क्या है, ये फैट सोलेबल है, डेली लिए तो भी चलेगा, नहीं लिए तो भी चलेगा। ये आपको वाटर सोलेबल है, अगर आपने एक्सेसिव लिया, ज्यादा लिया, तो पानी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चले जाते, इतना याद रखो। बीसी न्यू पेज आ गया, डाइजेशन की प्रोसेस पूरे नो हो चुके, ठीक है, रुकते हम लोग, कल कंटिन्यू करेंगे इसको, टाइम पर आइए आप लोग, कल यही टाइम पे 7:30 से 8:30 हमारे लेक्चर रहेंगे। ईवीएस का मैं डिटेल डेली लेक्चर ले रहा हूँ, तो 7:30 से 8:30 डेली टाइम रहेगा यूट्यूब पर, आप लोग आकर, एक मिनट, टाइम पर आकर आप
लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी चीज से रिलेटेड आपको डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है। उसके साथ साथ जो बच्चे आगे आगे प्रिपरेशन करेंगे, मतलब आप तो सब पास होने वाले, कोई दो राय नहीं इसमें। हाँ तो ये थोड़ी ऐड बता दूँ मैं आपको, जो भी बच्चे आने वाले टाइम में अगर CTET दिसंबर, मतलब आप तो पास होने वाले हैं, आप लोगों दूसरे बच्चों को बता देना है ना, CTET की तैयारी करेंगे दिसंबर की, या फिर MahaTT होने वाला है दिसंबर में इस बार, तो ये दोनों की अगर क्लासेस की, इनको क्लासेस की ज़रूरत है ज्वाइन करने की, अगर खुद से कर ले तो बहुत अच्छा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सितंबर में ना ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन भी क्लासेस रहेंगी और ऑफलाइन भी क्लासेस चलने वाली इसकी है ना, सितंबर में न्यू वैसे स्टार्ट होगी इसके बाद में सितंबर में, तो कॉल कर सकते हैं आप लोग, डिटेल डिस्क्रिप्शन में थंबनेल में जगह जगह आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस भी ऑफलाइन के लिए ये वाला, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर क्लासेस कर सकते हैं, वही बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, टेस्ट सीरीज है, पेपर एनालिसिस है और बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस है, बहुत कुछ है, लगभग उसको लगभग बच्चे पास होते हैं हमारी क्लास के, लगभग बच्चे पास, कुछ गिने चुने बच्चे छोड़ दो तो लगभग हमारे रिजल्ट आते हैं 70-80% तो आराम से पास होते हैं, MahaTT में भी 50% के करीब रिजल्ट आते हैं अपने, तो बहुत अच्छा है। जिसे भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कल मिलेंगे, आप ये वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों को भी पता चलने चाहिए, हम डेली अवेलेबल रहेंगे लाइव, तब तक के लिए इजाज़त दो।